गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं यहाँ किचन में हूँ और मैंने आलू उबालने के लिए रख दिया है क्योंकि आज ही मेरा बर्थडे, तो मैं इसलिए समोसे बनाने वाली हूँ। और समोसे की तैयारी कर दी मैंने, तो आलू बस अभी मैंने उबालने के लिए रखा है। और आज क्या हुआ कि मॉर्निंग में मैं अभी उठी भी नहीं थी और जो मेरी पड़ोस की भाभी है वो अपने लड़के के साथ आई, मतलब मेरे भतीजे के साथ, और उन्होंने मुझे सुबह सुबह बर्थडे विश किया, उन्होंने उठाया और मुझे केक गिफ्ट किया उन्होंने। मैं आपको इवनिंग में दिखाऊंगी केक कट करते समय। और फ्रेंड्स मुझे, मतलब भैया ने भी विश किया था मॉर्निंग में, मम्मी ने भी विश कर दिया था मॉर्निंग में ही। और मैं सबका, मतलब फोन जिसका भी आता बस मैं हेलो, क्योंकि मैं नींद में थी तो मैं बस बोल रही थी हेलो, हाँ सबका विश, मतलब जो भी मुझे विश कर रहा था मैं सब थैंक यू बोल रही थी। और बस नींदों में थी तो सब मुझे बोल रहे थे अभी सो रही है, अभी सो रही है। मैंने कहा हाँ अभी मैं सो रही हूँ, तो सब बोल रहे ठीक है सो जा कोई बात नहीं, ठीक है सो जा कोई बात नहीं। तो वैसे मैं 8 बजे उठ जाती हूँ, बट आज मैं उठी हूँ 9:30 पे उठी हूँ, वो भी जब वो भाभी आई है मुझे उठाने, मतलब आई है तो उन्होंने मुझे उठाया। वो बोली कि अभी तक सो रहे हो, आज बर्थडे है आपका। मैं बोली हाँ भैया का फोन तो आया है तो, बट मैं सो रही हूँ तो बस। और बस तो उन्होंने मुझे गिफ्ट गिफ्ट में मुझे उन्होंने मुझे मॉर्निंग में केक गिफ्ट किया था, तो आप लोग भी देखना शाम को और मेरे बर्थडे में शाम को जरूर आना। फ्रेंड्स मैं और भाभी बैठ के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और मैं धनिया की चटनी बनाऊंगी, तो मैं उसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ और भाभी बाकी जो भी समोसे में जो भी आइटम डलेगा वो चीज़ जो भाभी कट कर रही हैं। और धूप अच्छी निकली थी तो मैं धूप में ही बैठ गई थी क्योंकि अभी मैं नहा के आई थी, तो इस वजह से मैं धूप में बैठ गई थी, ठंड लग रही थी। और अभी मैंने कंघी भी नहीं करी है क्योंकि बाल अभी गीले थे, तो ऐसे ही मैं काम करने लग गई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मीठी चटनी बना रही हूँ, तो मैं उसमें गुड़ डाल रही हूँ। फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आप लोग तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट की चटनी हो। और साथ ही साथ भाभी जो है वो समोसे की स्टफिंग की तैयारी कर रही है। और फ्रेंड्स ये मैं पनीर के जो छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ ये सब समोसे में डालने के लिए कट कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग समोसे बनाने लग रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जो आटा है ना बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो मुझसे तो ये बेला ही नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा था, तो मेरे से तो नहीं बेला जा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं बेल पा रही थी इसको। और साथ ही साथ भाभी ने ये जो ब्लैक टी बना दी थी तो वो हम पी रहे हैं। ऐसे फ्रेंड्स जो समोसे का आटा होता है वो ऐसे ही टाइट होता है, बट मुझसे बेला नहीं जा रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से बेल पा रही थी इसको। और साथ ही साथ भाभी इसे भरने लग रही थी।
फ्रेंड्स अब भाभी बेलने लग रही है और मैं आटे की जो लोइयां बना रही हूँ और एंजल हमें परेशान करने लग रही है। वो मुझे देख रही थी आटा कैसी लोई बनाते हुए ना, तो वो भी बार बार लेके कह रही थी कि मैं भी ऐसी बनाऊंगी, तो वो मुझे परेशान कर रही है। वैसे एंजल है बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बार बार रो रही थी, फिर कहती मम्मी मम्मी, तो फिर मैं उसे गोदी ले लेती, बट बहुत परेशान करती है, पर अच्छी लगती है मुझे तो। और फ्रेंड्स हो सकता है कि सिटी में ये मेरा लास्ट बर्थडे हो, क्योंकि मेरे पापा जी रिटायरमेंट हो चुके हैं, आप लोगों को मालूम ही है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं जिन्हें मालूम नहीं है, तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने अपने पापा की रिटायरमेंट पार्टी पे एक वीडियो बना रखी है, तो वो आप लोग देख लेना। तो पापा जी जैसे कि रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो हो सकता है हमें यहाँ से जाना पड़ सकता है, तो इस वजह से इस सिटी में मेरा लास्ट बर्थडे होगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ अपने मायके में भी ना रहूँ, हो सकता है मैं लास्ट फैमिली में रहूँ, तो इस वजह से भी ये मेरे मायके में और सिटी में लास्ट बर्थडे हो सकता है। एंजल भी अपनी लोई लेके आई है और बेलने के लिए बोल रही है, और मेरा बेलन है जो वो बार बार छीन रही है और कह रही लव मैं मतलब मेरे को बेलना ऐसे कर रही हूँ। और भाभी ने वापस ले लिया ये, बोली लव मैं फटाफट बेल देती हूँ, आपसे नहीं बेला जा रहा है और आप लोई बनाओ, तो मैं लोई बना रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं दोबारा आ चुकी हूँ किचन में, और सलील जी मैंने आपकी लाइव चैट से इसीलिए बाय बोल दिया था क्योंकि मुझे किचन में आना था काम करवाने के लिए। और ये देखिए मेरी भाभी पकौड़े कह रही सॉरी समोसे तलने में लग रही है। एक्चुअली हमने समोसे को ऐसे करके बना के और रख लिया था पहले, हमने सोचा बाद में करेंगे इसको फ्राई, तो अब फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए मेरी भाभी फ्राई कर रही है। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आज ये ड्रेस डाल ली थी सुबह, मैंने जो शावर लिया था उसके बाद ये ड्रेस डाली थी, और ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच की है, कुछ दिन पहले स्टिच की थी मैंने, तो आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि दिखाया भी था मैंने वीडियो में स्टिच करते हुए, तो ये वही ड्रेस है देख लीजिए मैंने स्टिच करी हुई है, अच्छे से देख लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स तल गए गर्मा गर्म समोसे, वाओ। और जिस जिसको समोसे पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस को समोसे पसंद है। फ्रेंड्स आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, एक्चुअली मैंने दूसरी ड्रेस निकालनी थी पहनने के लिए, पर ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम थी तो इस वजह से मुझे ये ड्रेस डालनी पड़ी। और जब मैं तैयार हुई तो जो मयंक थी उसने बोला कि लाओ दीदी मैं ना फोटो वीडियो शूट कर देता हूँ आपकी, तो उसने वीडियो शूट की, और फिर मैंने सोचा चलो ये जो वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, तो मैंने ये अपनी वीडियो में ये छोटी सी क्लिप एडिट कर ली, तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ये जो चॉकलेट केक है यही भाभी ने मुझे मॉर्निंग में गिफ्ट किया था, और ये सेकंड केक है ये मैंक लेके आया है, और ये मेरे प्यारे प्यारे कान्हा जी जिनके बिना मेरा हर काम अधूरा रहता है, ये तो देर पे देर करता है। ओके अब करो स्टार्ट। ओ वो हंस मत, तुझे तो मना कर दिया, एंजल कर ले पहले एंजल को, वो बस जल्दी हट जाएगी, उसको पता है ना हटेगी तो अपना क्या लेगी दीदी।
यहाँ पे सब लोग पिक करने लग गए थे तो मुझे मैं खड़ी हो गई थी। भैया और भी वीडियो कॉल पे देख रहे थे मेरा बर्थडे जब मैं सेलिब्रेट कर रही थी तो फ्रेंड्स इस कैंडल की वजह से ना मेरी आंखों में ना आंसू आने लगे थे पता नहीं क्यों। और ये देखिए एंजल कितनी खुश हो रही है, काफी अच्छी लग रही है वैसे। और ये मैं पहले कान्हा जी को खिला रही हूँ। और मैं अपने पापा जी को खिला रही हूँ और मैं पापा जी को खिला रही थी जब वो क्रीम में मेरे हाथ में ही रुक गई थी, पापा जी के मुंह में नहीं गई थी पहले, इसीलिए से हंसने लग गए थे। ये मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी और ये भाभी है। हाँ ये एंजल देखो कैसे खाके कैसे करेगी, देखना कितनी अच्छी लग रही है। हाँ जी मैं अपने भैया और को केक खिला रही थी, कॉन्फ्रेंस कॉल थी तो भैया और बोल रहे थे पहले उनको खिलाओ और वो बोल रहे थे नहीं पहले भैया और को खिलाओ, तो यहाँ पास में उनको कर रहे थे। और वहीं पे मेरी चाची भी थी, मेरा कजन भी था और काफ़ी खुश भी थे ये लोग। और फिर मैंने बोला कि फटाफट खा लो क्योंकि फिर मुझे लेट हो रही है, तब उन्होंने खाया, काफ़ी खुश हो रहे थे। अरे ये छोटी वाली रहेगी। और फ्रेंड्स ये बच्चों के लिए ना प्लेट लगा रहे हैं, भाभी लगा रही हैं। और जो बच्चे घर गए तो मैंने उनके घर के लिए भी प्लेट दी थी। फ्रेंड्स आप भी आइए और खा लीजिए, ये लीजिए केक खा लीजिए। कोई बात नहीं तो बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं। और फ्रेंड्स जो समोसे बचा था भाभी ने उसकी पूड़ी बना दी थी और मटर पनीर की सब्जी साथ में बनाई थी। आप लोग भी आइए खा लीजिए और मेरे बर्थडे को एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स ये विदेशी वॉच है जो मुझे गिफ्ट में मिली है और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मुझे किसने गिफ्ट किया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपको एक बात बताऊँ कि मैं बहुत दिनों से मतलब जैसे वीडियोज वगैरह में देखती थी कि लोग दो केक तीन केक काटते थे, तो मैं भी सोचती थी कि कभी मैं भी मतलब ऐसे केक दो दो काटूं, तो आज वो मेरा जो सपना है वो पूरा हो गया, वो भाभी ने पूरा कर दिया मॉर्निंग में केक लाके। तो आज वो मेरा दो जो केक काटने वाला सपना था वो पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज्यादा मुझे तो खुशी हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ लाइक शेयर कमेंट ज्यादा ज्यादा कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन जो बेल है वो जरूर उसे प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन फटाफट पहुँच जाए और आप लोग देख लें। और आज का जो मेरा ये ब्लॉग है बर्थडे वाला वो आज मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।